वहीं जैसलमेर में चोरों की पहुंच भारत पाक सीमा तक पहुंच चुकी है। चोरों ने इस बार सैन्य क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें कारगिल युद्ध के दौरान सेना द्वारा बनाए गए 20 बंकर चोरी किए जा चुके थे। वहीं एक बार फिर चोरी की वारदात को अंजाम देने आए चोर ग्रामीणों की सहायता से पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और आपको बता दें कि ये लोहे के बंकर रेत के टीलों में दबाकर रखे जाते हैं, जिससे युद्ध के दौरान इसमें छुपकर सेना के जवान अपनी सुरक्षा करते हुए जवाबी फायर करते हैं, साथ ही गोला बारूद का भंडारण करते हैं। लेकिन अब चोरों की नजर इस पर भी आ लगी है। बीते दिनों 10 से 15 बंकर पूरी तरह से चोरों साफ कर चुके थे। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि 13 बंकर चोरी किए गए हैं और 6 बंकर खोले हुए पड़े थे। संभावना जताई जा रही है कि और भी लोग इस घटना में शामिल हो सकते हैं। नोक थाने हलके में लुणायत गांव से जो भारेवाला की तरफ रास्ता जाता है, उस पे कारगिल का जब वॉर हुआ तो उस टाइम सेना ने अपने सुरक्षा कवच को और एडवांस एरिया में बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ बंकर बनाए थे सुरक्षा की दृष्टि से। उनमें से 13 बंकर्स को चोरी की रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हुई है, जिसमें हमें मौके पे सूचना मिली थी कि इस तरह से लोग कुछ बंकर खोल के ले जा रहे हैं रात को करीब 3 बजे। तो ग्रामीणों ने सूचना दी तो उस पर तत्काल नोक थानाधिकारी वहाँ अपने जाब्ते के साथ पहुँचे और मौके पे 3 लोगों को वहाँ से दस्तयाब किया। जब उनसे डिटेल में पूछताछ की गई तो उन्होंने 13 बंकर चुरा कर ले जाने और 6 बंकर वहाँ मौके पर खुले हुए पाए गए, जिसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनमें और भी लोगों के इन्वॉल्व होने की संभावना है, क्योंकि एक बंकर करीब 20 से 25 टन वजनी होता है, जिसको खोल करके छोटे छोटे पार्ट्स में लोड करके ले जाना इतने 3 लोगों के लिए संभव नहीं है। तो कुछ और लोग भी इन्वॉल्व होने की संभावना के चलते हम इसमें आगे तफ्तीश करा रहे हैं और लोग जो इन्वॉल्व